सनी लियोनी ने रिपोर्टेडली रागनी MMS 2 के मेकर्स को एक टॉपलेस सीन करने से साफ इनकार कर दिया है। जूम पहले ही सनी का इमेज मेकओवर प्लान रिवील कर चुका है, आपको ये बताकर कि सनी माधुरी दीक्षित जैसा बनना चाहती हैं। I always look up to somebody like Madhuri Dixit. पर जहां सनी माधुरी जैसा बनने के सपने सजाए बैठी हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस वाली इमेज को ध्यान में रखकर सनी के पास लगातार बोल्ड रोल के ऑफर्स आ रहे हैं। ऐसे में रागनी MMS 2 का टॉपलेस सीन रिफ्यूज करना सनी की डिमांड कम कर सकता है। खबर है कि आमिर के टेलीविजन शो का सेकंड सीजन जान 2014 में शुरू हो सकता है। रिपोर्टेडली इस शो के नेक्स्ट सीजन के लिए आमिर की टीम ने अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट कर लिया है। वैसे आमिर के शो का लास्ट सीजन भले TRPs की रेस ना जीत पाया हो, पर ऑडियंसेस के दिल को छूने में कामयाब हुआ था। हालांकि डॉक्टर्स के प्रोफेशन पर शो में सवाल उठने पर काफी कॉन्ट्रोवर्सी भी खड़ी हुई। सुनने में आया है कि पुराने डिफरेंसेस की वजह से ऋतिक भले सलमान के शो में अपनी फिल्म को प्रमोट ना करने गए हों, पर क्रिश 3 की दोनों एक्ट्रेसेस कंगना और प्रियंका एक एक कर सलमान के रियलिटी शो में जा रही हैं। कंगना के बाद अब बारी है क्रिश 3 की लीड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की, जो जल्द ही सलमान के शो में क्रिश 3 के प्रमोशन के लिए जाने वाली है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ऋतिक ने सलमान के शो में जाना डेलिबरेटली अवॉइड किया है। हालांकि ऋतिक कपिल के शो में अपनी फिल्म का प्रमोशन करते नजर आएंगे। रिसेंटली अक्षय कुमार स्टारर अपकमिंग फिल्म गब्बर में अक्की के ऑपोजिट करीना का नाम फाइनल होने की खबर आई थी, जो महज एक रूमर साबित हो गई है। सोर्सेस की माने तो करीना गब्बर में एक इम्पोर्टेंट आइटम नंबर करेंगी, पर अक्षय के ऑपोजिट लीड रोल के लिए उनका नाम फाइनल नहीं हुआ है। सचिन तेंदुलकर के रिटायरमेंट की खबर से बॉलीवुड भी हिल गया है। शाहिद कपूर, प्रभु देवा, वरुण धवन, अनुराग बासु और इम्तियाज अली जैसे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सचिन के वानखेड़े में होने वाला लास्ट मैच मिस नहीं करना चाहते, इसलिए सबने अभी से टिकट अरेंज करना शुरू कर दिया है। यानी हो सकता है कि बॉलीवुड के कई बिगी सचिन का लास्ट मैच देखते हुए नजर आए, पर हो सकता है शाहरुख खान वानखेड़े में नजर न आए क्योंकि MCA ने उन पर बैन लगाया था। पिछले दिनों खबर आई थी कि आदित्य चोपड़ा आमिर खान को धूम 3 का रफ एडिट दिखाने से कतरा रहे हैं। वहीं अब सुनने में आया है कि आमिर ने पीके के डायरेक्टर राजू हिरानी से धूम 3 का फाइनल फर्स्ट लुक तैयार करवाने के लिए छुट्टी मांगी है। रिपोर्टेडली अक्टूबर 30th को धूम 3 का फर्स्ट लुक रिवील हो रहा है और आमिर चाहते हैं कि रिलीज से पहले वो धूम 3 का ट्रेलर जरूर देखें। राम गोपाल वर्मा ने इस वीक रिलीज होने वाली सत्या 2 की रिलीज पोस्टपोन कर दी है। अक्टूबर 25th की जगह ये फिल्म अब नवंबर 8th को रिलीज होगी। रामू की माने तो उनके फिल्म पोस्टपोन करने का रीजन किसी इन्वेस्टर के साथ कोई इशू है, पर इससे आगे उन्होंने सत्या 2 की रिलीज पोस्टपोन का डिटेल रीजन बताने से इनकार कर दिया है। खबर आई है कि सलमान खान ने ईद के तोहफे यानी ईदी के तौर पर अपनी सिस्टर अर्पिता को 1.5 करोड़ का ब्रेसलेट गिफ्ट किया है। रिपोर्टेडली सलमान से अर्पिता को मिला ये गिफ्ट एक डायमंड ब्रेसलेट है। वैसे ये तो सभी को पता है कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए सलमान हमेशा दिलदार रहते हैं, इसलिए सिस्टर अर्पिता को 1.5 करोड़ का गिफ्ट देना बड़ी बात नहीं है। फिल्म्स के रिलीज से पहले स्टोरी लाइन रिवील होने के कई रूमर्स आते हैं। अब की बार SRK और फराह की अपकमिंग फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की स्टोरी लाइन रिवील होने का अपडेट आ रहा है। इन दिनों बॉलीवुड के गलियारों में यही गॉसिप छाई हुई है कि SRK दीपिका स्टारर हैप्पी न्यू ईयर दरअसल एक आइस्ड फिल्म है। फिल्म में शाहरुख खान एक चोर का रोल प्ले कर रहे हैं और फिल्म में दीपिका और बाकी स्टार्स SRK की गैंग के मेंबर्स के तौर पर नजर आने वाले हैं। आमिर खान ने धूम 3 के लिए एक सीक्रेट प्रमोशनल प्लान तैयार किया है। जूम के अलावा बाकी मीडिया को अब तक आमिर के इस खास प्लान की कोई भनक नहीं लगी है। आमिर अब तक अपनी हर एक फिल्म के लिए कुछ यूनिक प्रमोशन स्ट्रेटजी तैयार करते आए हैं। सोर्सेस की माने तो उन्होंने ऐसा ही एक खास प्लान धूम 3 के प्रमोशन के लिए भी तैयार किया है, जिसमें 3 स्टेज पर फिल्म का अलग अलग प्रमोशन होगा। रिपोर्टेडली आमिर ने धूम 3 के प्रमोशन में बाकी स्टार्स का रोल भी फिक्स कर दिया है। इस खबर का कम्प्लीट डिटेल्स जानने के लिए देखते रहिए जूम।